वेलकम टू माय शो डीके की टीपी। आप देख रहे हैं डीके की टीपी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा सा प्यार दें। मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं ये नया शो चालू कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि आप लोगों के लिए क्या करूं या मैं आपसे कैसे अटैच हूं और आपको क्या नई जानकारी दे सकता हूं, क्योंकि मैं शायद ये मेरा सेकेंड एपिसोड है। तो आप से जुड़ने का मेरा बेसिकली क्या था कि मैं चाह रहा था कि मैं ऐसा कुछ करूं जो मैं लोगों से कनेक्ट कर सकूं, मेरे विचार उनको बता सकूं और उनके भी विचार या कमेंट्स या उनके जो एडवाइस हो नया चैनल के बारे में, आप कैसे चालू करते हैं और कैसे क्या है। तो आप लोगों को ये चैनल बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं इसमें कॉमेडी के साथ साथ मेरे जो खुद के मोनोलॉग तैयार किए होंगे वो, और प्लस मैं वो सारे डिटेल डालूँगा, जैसे कि एक्टिंग कहाँ सीखने जाना है आपको, किस जगह आप अगर चाहे तो एक्टिंग मुंबई में सीख सकते हैं और बहुत कम पैसे में, और ट्रस्टेड पर्सन लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कोई खाएगा, बहुत अच्छे लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं। और आपको पता होगा कि अनुपम से सर का जो एक्टिंग कोर्स है वर्सोवा में है और सांधकोस में है, और वहाँ पे बहुत ही अच्छा, मतलब इतना बेसिकली ऐसा होता है कि वहाँ पे इतना बेस्ट ट्रेनिंग देते हैं कि आपको एक ऐसा नॉलेज हो जाएगा कि जब आप कहीं जब जाओगे, जैसे कि आप स्कूल या कॉलेज जब पास आउट होते हो तो आपको ट्रेनिंग के लिए 1 ईयर के लिए जाना पड़ता है। तो आपने तो बचपन में सोचा होगा मुझे एक्टर बनना है या कुछ ऐसा करना है, जो आपका सोच होगा कि हाँ भाई मुझे उस मुकाम तक जाने का है। तो अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो आप ऐसे जगह पर जा सकते हैं, अनुपम खेर एक्टर एक्टिंग प्रिपेयर, वहाँ पे पार्ट टाइम कोर्स है, वीकेंड कोर्स है और है आप पार्ट टाइम वीकेंड और 3 मंथ का कोर्स है। तो आप बेसिकली आप 3 मंथ का कोर्स करेंगे, कुछ कॉस्ट है शायद नियर अबाउट 2 लाख है, 2 लाख है, और आपको 3 महीने का कोर्स रहेगा, शायद 9.5 या 10 से 5 तक रहता है। तो आप वहाँ जाइए और एक्टिंग के बारे में आपको वो सारी बातें वो आपको बताएंगे जो शायद आपने शायद सुना भी ना हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार पिक्चरें देखिए, चलो यार ये हीरो ऐसा एक्टिंग करता है तो आप उसके हिसाब से करने चले जाते हो, ठीक है। लेकिन एक्टिंग ऐसा चीज़ है कि आप खाली अपने मन से ऐसे कुछ नहीं कर सकते, आपको एक एक डायलॉग्स और एक वर्ड याद करने के लिए बहुत समय लगता है। ऐसे तो हम कुछ भी बकबक करते रहते हैं या कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन जब आप कैमरे के सामने आते हो तो आप कॉन्शियस हो जाते हो, जैसे मैं कभी कभी मैं खुद हो जाता हूँ, मैं इतना प्रैक्टिस करता हूँ, घंटों रिहर्सल या किसी चीज़ के बारे में खोजबीन करता रहता हूँ, और एक्टिंग के बहुत सारे प्रैक्टिस है जो मुझे मिला है वो मैं करता रहता हूँ, फिर भी मैं भी भूल जाता हूँ। भाई मैं भगवान नहीं हूँ, हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहता है, मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। और इतने महानायक, सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी है, वो भी बोलते हैं कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने पिक्चर कर चुके हैं, फिल्म ऑलरेडी इतने उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि अभी मुझे और भी सीखना है नए न्यूकमर लोगों से या जो मेरे साथ काम करते हैं उनसे। तो एक्टिंग का कोई ये नहीं है कि आपने ये कर लिया बस हो गया, आपको हर समय कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा, हर एक फील्ड में आप कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। तो आप वो चाहिए तो आप मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो ये मेरा एपिसोड खाली आपके लिए ये है कि आप एक्टिंग कहाँ से सीखें और किस जगह जाएं। मेरे हिसाब से तो आप एक्टिंग प्रिपेयर्स एक्टर प्रिपेयर्स अनुपम खेर सर के यहाँ जाएं, क्योंकि मैंने वहाँ से सीखा है और बाकी भी है, लेकिन मैं वहाँ जानता नहीं। किशोर नमित कुमार सर का है, बहुत अच्छा एक्टिंग क्लासेस उनका भी है, लेकिन मैं कभी वहाँ गया नहीं हूँ, और मैंने जहाँ सीखा है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इतने इतने पैसे में जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये अच्छा लगे एपिसोड तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताइए कि आप लोग को और क्या क्या जानकारी चाहिए एक्टिंग के बारे में, तो मैं आपको बेटर नॉलेज दे सकता हूँ और अच्छे से और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये फ़िलहाल मैंने आपको बस एक जानकारी देने के लिए बताया था कि मैंने अभी जस्ट ये सोचा कि मैं बैठा हूँ या मैं जो भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोग को भी कुछ बताऊँ जो मैंने सीखा है। तो
तो ये ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स हम कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ से सर्टिफिकेट तो मिलने वाला नहीं है। तो अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप एक्टर प्रिपेयर्स के यहाँ जाइए। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।